लेकिन अगर राजनीति की माने तो लोग कह रहे हैं कि ये वापस से 15 साल वाला दौर आ चुका है जहाँ पे लोगों का अपहरण किया जाएगा और बाद में उनकी लाशें बरामद होगी। ऐसा क्या होता है कि जब उनकी सरकार रहती है तो भी तो हो ही रहा था, और जब जब ये महागठबंधन की सरकार हुई तो क्या मैं 2 साल नहीं कर सकती हूँ कि बीजेपी करवा रही है? जो भी हत्याएं हो रही है, जो भी ये आपका ये बैंक रॉबरी हो रहा है, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हमारे सरकार में इस तरह का कांड हो। तो अभी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं ये सब करवा करके, मुझे कहने में कोई डर नहीं लगता है। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत पर, चूंकि ये जीत पहले से ही लग रहा था कि ये सुनिश्चित था और देखा जा रहा है, तो आंकड़ा अभी भी बता रहा है कि जीत क्यों रहा है, हालांकि अभी काउंटिंग चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो सीट तो हम लोग का निकलना ही था जी, और ये सीट महागठबंधन की जीत हुई है। मोकामा एक ऐसा सीट था कि पहले भी वहाँ थे MLA, उसके बाद विशेष परिस्थिति में उपचुनाव हुआ, और इसके बारे में हम लोग एकदम कन्फर्म थे कि वहाँ हमारी जीत होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि ये सिंपथी वोट मिला है कहीं ना कहीं? महिला सशक्तिकरण को मिला है ये वोट। महिला सशक्तिकरण? हाँ, महिला सशक्तिकरण को मिला है ये वोट, और हम बधाई देते हैं नीलम जी को, चुनाव जीती, मेरी शुभकामना है। उपचुनाव की बात एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर पार्टी की बात की जाए तो जिस प्रकार से JDU विलय की है RJD ने, ये जो चुनाव है महागठबंधन की जीत हुई है, ये हमारे माननीय नेता की जीत हुई है तेजस्वी जी का, ये जीत हुई है हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश जी का हुआ है ये जीत, और ये आगे भी अब ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी जनता ने स्वीकार कर लिया है नए गठबंधन को, जिस तरह से JDU में RJD का मिलन हुआ, उसको जनता स्वीकार कर रही है। JDU या JDU दोनों समाजवादियों का गढ़ है, और जो बिहार है दबे कुचले पिछड़े अति पिछड़ा मंडिटी, ये बिहार गढ़ है समाजवादियों का, तो कोई उपाय ही नहीं था, जनता को विकल्प मिल गया है। मजबूरी में कभी इधर कभी उधर हो रहे थे, अब एक सशक्त समीकरण बना है समाजवादियों का, इसलिए आप कह रहे हैं कि सशक्त समीकरण बना है, लेकिन ताकि वापस से नीतीश कुमार विलय करेंगे BJP में, और फिर सुशील मोदी का भी ये बयान आया है कि ये तय है कि आज नहीं तो कल ये वापस से BJP की ओर मुड़ेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता है, एक गलत फहमी में लोग जी रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये मैं कह रही हूँ व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं जानती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ, कि वो दिल से वो समाजवादी है, मजबूरी बस कुछ दिन BJP में रहे, और उन्हीं का देन था कि BJP बिहार में अपना पांव जमाने का काम किया। आंदोलन को आरसी का आने वाला जो 24 का जो चुनाव होगा 25 का उसमें पता चल जाएगा। तो नीतीश कुमार की छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है? नीतीश जी की छवि ना पहले खराब थी ना आज खराब है, साजिश क्या हो सकता है? जो सब विकास का काम हो रहा है धड़ल से, लोग जनता देख रही है, और आज मजबूत एक समीकरण बना है, आगे भी विकास होगा। ठीक है, परिचय दे दीजिएगा। तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उस पर सुशील मोदी का बयान है कि ये चूंकि पहले से BJP ने ही तय किया था नौकरी देना, हालांकि गठबंधन टूटा और उसके बाद तेजस्वी यादव नौकरी लेके अपना नाम लगा रहे हैं, हालांकि ये BJP की देन थी। ये पहले से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी का घोषणा था कि जब मेरी सरकार होगी तो मैं 20,000 लोगों का नौकरी देने का काम करूँगा, नौजवानों का। तो ये जो BJP की, और ये BJP जो कर रही है तो देखा देखी वो घोषणा कर रही है, और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, कोई कहीं दिखाने का तो है नहीं, ये तो हमेशा घोषणा की सरकार रही है BJP केंद्र से लेकर बिहार तक जब तक वो लोग थे सत्ता में, और आज तक बिहार के जनता को, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा देश तबाह है,
लेकिन मैं आज भी कह रही हूँ कि बिहार को ठगने का काम किया राष्ट्र ये आपके बीजेपी ने, और उन्होंने कहा था कि मैं दूंगा 15 लाख रुपया हर खाते में, और आज ये स्थिति हो गई है कि हर खाते से 15 पैसा भी निकालने की तैयारी हो गई जनता की, गरीब जनता की, है ना। अमीर अमीर हो रहे हैं इनके में, गरीब है सो और वहाँ गरीब हो रहा है। अब तो मैंने इनका महिलाओं के जेवर तक उतार रहे हैं, सोना इतना महंगा हो गया कि महिला मजबूर हो गई है कि बेटी को जो शादी करना है उसको जेवर तक लोग खरीद नहीं खरीद सकता है, इतना सोना रखना है, आप जिनको पूछते हैं सोना है, महिलाओं का तो शौक है, तो उसका जेवर तक उतारने की तैयारी बीजेपी लगी हुई है करने में। तो बीजेपी क्या बोलेगी, तो हमारे जो नेता का जो घोषणा था कि मैं नौजवानों को इतना नौकरी दूंगा, तो देखा देखी बोल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल बोल रहा है, ये बीजेपी बोल रही है कि मैं दूंगा, लेकिन क्या बता दे कहाँ दिया है, किसको नौकरी दिया है, रोजगार दूंगा ही करूँगा। आज तक तो उन्होंने ठगने का काम किया नौजवानों को, हाँ हथियार जरूर थमा दिया नौजवानों को, बजरंग दल तक कौन दल तक कौन दल करके यहाँ पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। हथियार का जिक्र किया आपने, अभी भोजपुर में एक स्वर्ण व्यवसायी का मामला सामने आया था जहाँ पर उनकी अपहरण, मां चौधरी, और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि आए और सही चीज लाई जनता के बीच में, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है।